ठीक है, सबसे पहला है क्या, ग्लास में जिंजरिंग जूस ऑफ ग्लास है उसमें सबसे पहला क्या, क्राउन ग्लास और सोडा लाइम ग्लास। ये सस्ता होता है ग्लास, और इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लास ट्यूब बनाने के लिए, विंडो पैनल बनाने के लिए, ग्लास इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए और बॉटल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्लिंट ग्लास और पोटैश लीड ग्लास कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए, ऑप्टिकल लेंस बनाने के लिए, रेडियो वॉल बनाने के लिए, टेबल वेयर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हार्ड ग्लास और पोटैश लाइम ग्लास कहाँ यूज करते हैं, ग्लास आर्टिकल सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर सच एज कम्बस्चन, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रेसिस्ट करना होता है वहाँ पे हार्ड ग्लास या पोटैश लाइम ग्लास हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉमन ग्लास और बॉटल ग्लास, वो कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मेडिसिन बॉटल में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर पायरो ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास कहाँ यूज करते हैं, हाई क्वालिटी लेबोरेटरी अपरेटस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। पायरो ग्लास या बोरो ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो हम लोग हाई क्वालिटी लेबोरेटरी अपरेटस बनाने के लिए या कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लैट ड्रॉन शीट ग्लास, ये कहाँ यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पसेस, ठीक है, मेनली ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग पर्पस के हर जगह काम आ जाता है। तो इसके बाद क्या है, फ्लोटेड शीट ग्लास, ये क्या है, ग्लेजिंग हाई ग्रेड कैबिनेट एंड ग्लेजिंग बनाने के लिए काम करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लेट ग्लास, ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्गर। प्लेट ग्लास क्या होता है, ये किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, शोकेस बनाने के लिए, शॉप फ्रंट, शॉप का जो फ्रंट बनाने के लिए, सेल्फ अलमीरा बनाने के लिए, लार्ज मिरर एक्सेट्रा, और बड़े मिरर बनाने के लिए। वायर ग्लास कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फायर रेसिस्टिंग डोर विंडो, स्काई लाइट एंड रूफ लाइट, ऐसे जगह इस्तेमाल करते हैं। फायर रेसिस्टेंट जो है वो अगर डोर विंडो बनाना है तो वहाँ इसको यूज करते हैं, फ्लोर और स्काईलाइट में यूज करते हैं। फिर लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास, ये कहाँ यूज करते हैं, फायर रेसिस्टेंट डोर, स्काईलाइट एंड रूफ में इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हीट इंसुलेटिंग ग्लास, ठीक है, हीट इंसुलेटिंग ग्लास क्या करता है कि हीट इंसुलेटिंग ग्लास में क्या होता है कि ग्लास पैनल के बीच में कुछ गैप होता है, देखो लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय एयर गैप, ठीक है, कुछ उसमें एयर गैप होता है, दो पैनल के बीच में कुछ हल्का सा एयर गैप कर देते हैं जो क्या करता है कि वो हीट को इंसुलेट करता है। वो किस लिए यूज करते हैं, विंडोज ऑफ रेलवे कोच, जो रेलवे के कोच होते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, हॉस्पिटल के लैब में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या है, ऑब्सक्योर्ड ग्लास, ठीक है, ये कहाँ यूज करते हैं, विजन इन ऑब्सक्योर्ड आउट लाइट पासिस टाइप फिगर्ड ग्राउंड और चिप्स और कॉगुलेटेड, वेयर प्राइवेसी इज रिक्वायर्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट, ठीक है, ऐसे जगह जहाँ पे प्राइवेसी जो है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन लाइट को जो है वो लाइट के लिए जो है वो ग्लास जो है वो रिकावट ना बने, ठीक है, जैसे ऑफिस का डोर हो गया, पार्टीशन हो गया और पब्लिक टॉयलेट हो गया, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसे जो है ग्लास को यूज़ करते हैं, ऐसे समझे तो वो ऑब्सक्योर ग्लास जो है वो मेनली ऐसे जगह यूज किया जाता है जहाँ पे लाइट को तो आए मतलब पास करे वहाँ से, ठीक है, लाइट जो है वो रूम में या ऑफिस में बना रहे लेकिन जो है वो प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टिंट ग्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टिंट ग्लास, टिंटेड ग्लास, इसमें क्या होता है, सच एज अल्ट्रा वायलेटरी ग्लास, डेकोरेटिव ग्लास, ठीक है, ये कहाँ यूज करते हैं, डेकोरेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइट एक्सक्लूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ग्लास ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक क्या होता है, पार्टीशन अप टू 6 मीटर
इंसुलेशन, ठीक है, जहाँ पार्टीशन देना हो 6 मीटर का और इंसुलेशन करना हो, वहाँ पे हम लोग ग्लास ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। फिर स्ट्रक्चरल ग्लास मेड बाय जॉइनिंग टू हाफ एंड प्रेसिंग, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल ग्लास होता है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट साइज एंड शेप यूज फॉर इंसुलेशन पैनल वॉल, पार्टीशन वॉल, फेसिंग, स्टेयर वे एंड इनक्लोजर, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल वॉल है वो कहाँ यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं, वो इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं और पार्टीशन वॉल बनाने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे, वॉल फेसिंग या स्टेयर जहाँ होते हैं, जहाँ सीढ़ी होता है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ग्लास वाला टॉपिक आज पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल स्टार्ट करेंगे।